हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फ्री ऑनलाइन स्टडी विद आरुषि में स्वागत है। आज जो हम कोर्स लेके आए हैं वो आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मतलब कि जैसे कि यूपी SSSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वीडियो के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स है। इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित हो, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित हो, या उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं, योजनाएं या अदर्स जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये जो हम वीडियो लेके आए हैं वो उत्तर प्रदेश का जो जीके है उससे संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। यहाँ पर है, राज्य निम्न में से कौन सा फसल समूह के उत्पादन में अग्रणी है, मतलब कि आगे है, प्रथम है। तो यहाँ पर आप फसलों के नाम याद रखिएगा, गेहूँ, गन्ना और आलू के फसलों में राज्य क्या है, अग्रणी में है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, गोरखपुर। देखिए इस तरीके के जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन, लोक नीति से संबंधित क्वेश्चंस, या जो हमारे स्टेट के जो नेशनल सिंबल्स हैं, जो स्टेट सिंबल्स हैं सॉरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आप उन सभी पॉइंटों को माइंड में रखिएगा और ये जरूर देखिएगा कि प्रीवियस ईयर्स जो हमारे एग्जाम पहले जो हो चुके हैं उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से पोर्शंस हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, उन्हीं को ही आप सबसे पहले तैयार करिए। क्योंकि तैयारी तो आपको सब करनी ही करनी है, मगर उन चीज़ों को माइंड में रख के करिएगा जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, मतलब कि वो सेक्शंस आपको तैयार करना है पूरा का पूरा। तो ऐसे में क्या होगा, आपका चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उनके आंसर क्या होंगे, ठीक होंगे ही होंगे, क्योंकि जब आप तैयारी करके जाएंगे तो आंसर तो ठीक होने ही हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्व श्रेणी का विस्तार है कहाँ, तो उत्तर में है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जॉर्ज यूल ने। अगर आप सभी को याद होगा, जो लोग हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं जो कि हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो थे विमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद दादा भाई नौरोजी आए, उसके बाद बद्रुद्दीन तैयब जी आए, फर्स्ट मुस्लिम जो यहाँ के इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और उसके बाद जो फोर्थ जो इसका मीटिंग हुआ था इलाहाबाद में, उस समय यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट हुए थे जॉर्ज यूल। तो अगर पूछा जाता है फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जॉर्ज यूल, जो कि ये अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। और प्रथम कौन थे, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उसमें थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर आपको चारों जो अधिवेशन जो हुए थे उनका मैंने आपको एक अध्यक्ष का नाम बता दिए हैं। सबसे पहले 1885 में जो हुए थे अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। फिर उसके बाद आपके 1886 क्योंकि कंटिन्यू सेशन हुए थे, तो उसके बाद दादा भाई नौरोजी। फिर आपका 7 में आ गया, 1887 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के बाद आपके दादा भाई नौरोजी के बाद आगे बद्रुद्दीन तैयब। ये थे फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आए हैं, 1988 में ये सेशन हुआ था जॉर्ज यूल इलाहाबाद में अध्यक्ष के तौर पर। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना किस स्थान पर है, तो आंसर याद रखिएगा, तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, मथुरा में है। इसके बाद नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, स्थापना से संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना या आदर्श यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, राज्यों में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंटा योजना कब शुरू की गई थी, तो ये योजना 1992 में लाई गई थी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा ये जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है। मींस अगर आप हिस्ट्री की जब तैयारी करते हैं तो उस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि हिस्ट्री में आप उस चीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान दें जो कि यूपी से संबंधित है, मतलब कि ऐसी कोई जगह आ रही है, ऐसे कोई स्थान आ रहे हैं जो कि यूपी के हैं, तो उन चीज़ों को याद में रखिएगा क्योंकि आप यूपी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको उन पॉइंट्स को याद करना जरूर है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, या राज्य में
कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जब आप जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, तो बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा कि जो वौदे का महापरिनिर्माण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, अशोक का 14वां वराह शिलालेख प्राप्त हुआ था कहाँ से? कलसी से। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेते हैं, तो ये नॉर्मली सबको याद भी है क्योंकि जब आप स्कूल टाइम में ये पढ़ाया गया था और ये सब मोस्टली याद भी रहता है। अगर जिन लोग भूल भी गए होंगे जो लोग, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए वाराणसी में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, उत्तर प्रदेश में तावा उत्पादन का विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? तो सोनराई ललितपुर है तावा उत्पादन का विस्तृत क्षेत्र। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बखीरा पक्षी विहार के राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है बस्ती में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण परिषद व राज्य शैक्षिक अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1981 में। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है किस फसल का है? तो यहाँ पर है धान, धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है देश में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि ये तो नॉर्मली एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो वो है कानपुर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, राज्य में रेशमी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है हमारा मेरठ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। आप इस वीडियो को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को सबसे पहले कवर करना चाहिए। जो भी आप परियोजना पढ़ रहे हैं, डैम पढ़ रहे हैं या फिर कोई पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो यूपी से रिलेटेड करके आप सारी चीज़ों को एक बार पढ़िएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको माइंड में जरूर रखिएगा। उत्पादन जो यूपी है वो किन किन फसलों का उत्पादन में अग्रणी है, कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ों के लिए कौन कौन से जिले प्रसिद्ध हैं, तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप तैयारी करेंगे तो आपका जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जीके आने वाली उसमें आप पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।